Hey you all, welcome and welcome back to my channel. So, गणेश चतुर्थी आने के कुछ दिन पहले मैंने सोचा था कि इस बार कुछ डेकोरेशन करेंगे. लास्ट टाइम भी एक डेकोरेशन किया था मैंने, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो येस, सो दिस टाइम वी डिसाइडेड फॉर सम डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन, जिसके लिए ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं लगना था, बस कुछ रेड कलर की शीट्स और थोड़ा सा ग्लिटर. फेविकॉल, दीज बेसिक थिंग्स वर रिक्वायर्ड फॉर दैट. सो मैंने रेड कलर की शीट्स ला के रखी हुई थी घर पे. सो फाइनली मैंने कटिंग और डिज़ाइनिंग का काम चालू कर दिया है. आपने मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में तो देखा होगा कि कैसा डेकोरेशन था. सो डेकोरेशन के पीछे का प्रोसेस मैं आपको अभी बताती हूँ कि वो कैसे किया था. आई होप आपको अच्छा लगेगा, पूरा वीडियो देखिएगा. आपको थोड़े बहुत ऐसा इजी डिज़ाइन अगर आपको जल्दी से बनाना है कहीं डेकोरेशन करने के लिए, तो आप ऐसा बना सकते हैं. सो ये डिज़ाइन मैंने कहीं पिंटरेस्ट पे देखा था. एग्जैक्ट वैसा डिज़ाइन नहीं लिया, मैंने सोचा कि कुछ अलग टाइप का फ्लावर बनाते हैं. सो कटिंग एंड ऑल का काम चल रहा था. मैंने इसमें 5 शीट्स यूज़ की हैं बैकग्राउंड के लिए, जो मुझे बनाना था उसमें पूरी 5 शीट्स लगी मुझे. और हैंगिंग किए थे मैंने, हैंग किए थे कुछ फ्लावर्स. सो बेसिकली ऐसा रहता है कि जब गणेश चतुर्थी आती है ना, तो उसके पहले से ही आपको ना वो वाइब्स आने लगती है कि, और ये तो ऐसा फेस्टिवल है कि जो हम सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं. सो वी वर इक्वली एक्साइटेड, और हर साल एक नया डेकोरेशन करने का तो अलग एक्साइटमेंट रहता ही है. पूरा माहौल बना हुआ रहता है गणेश चतुर्थी के पहले. घर में भी बहुत सारा स्वीट्स बनता है और डेकोरेशन का सामान, एंड बैक टू बैक सारे फेस्टिवल रहते हैं. सो येस, इट वॉज ऑल इन द एयर, पूरा जोश था. तो हमने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया इस बार. टू कीप द फ्लावर्स स्टिफ और थोड़ा सा बेंड, उनको फ्लावर वाला शेप देने के लिए हमने जो शीट्स कट की थी उसके पीछे हमने थोड़ा पतला सा वायर लगाया था, जिसके थ्रू हम उसको सपोर्ट भी दे सके और बेंड भी कर सके. सो दिस एक्चुअली वर्कड, और बहुत ही अच्छा लग रहा था पूरा जब डेकोरेशन हो गया उसके बाद. सो येस, आप एक छोटी सी वायर, मतलब जो पतली वायर रहती है जो बेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, तो आप उसको सपोर्ट दे सकते हैं अपनी शीट्स के पीछे. सो यहाँ पे बैकग्राउंड भी ऑलमोस्ट सेट था, थोड़ा सा और कुछ लाइट्स वाइट्स लगाने बाकी रह गए थे पीछे, बाकी तो ये 80% डन है. सो दिस इज़ द सेम ट्रंक जिसको मैंने डेकोपेज पेपर लगा के रेनोवेट टाइप का किया था, वही ट्रंक को हमने यूज़ करके उस पर सब सेटअप लगाया कि हम इस पर डेकोरेट करेंगे. और देखते ही देखते हमारा एक दिन के अंदर डेकोरेशन पूरा कंप्लीट था. बस कुछ घंटे लगते हैं करने के लिए, तो सब मिलके काम करते हैं तो हो ही जाता है. सो दिस वॉज इट. अभी आपको दिखाऊंगी मैं कि पूरा सेटअप होने के बाद, गणेश जी का जब स्थापना हो गया उसके बाद सब कुछ कैसा दिख रहा था. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू लाइक इट, इवन यू विल ट्राई समथिंग यूनिक. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.